हेलो 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 फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आ जाइए मेरे खूबसूरत से गार्डन में, और खूबसूरत सी टिप जानने के लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको फिर से बॉबी एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाने के लिए आपके पास आ गई है, और इतनी खूबसूरत इतनी शानदार टिप्स लेके आती है बॉबी तो, कि मतलब आप लोग शायद सपने भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैंने सपना कुछ देखा है ऐसा, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने सपना देखा कि मेरे पौधे, ठंडक चालू हो गई है तो मेरे पौधे मुझसे कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पौधे मुझसे कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग हकीकत में भी उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर हमारे गमले हम लोग से कुछ बोलते नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग तो उनकी भाषा समझते हैं ना, कि हमारे पौधों को किस चीज की जरूरत है, कौन से विटामिन चाहिए, कौन सा उनको खाना चाहिए, कौन से हेल्दी फूड है उनके लिए, कौन से ड्रिंक है उनके लिए। तो वो सब चीजें हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं अपने पौधों के लिए, कि आज हमें अपने पौधों के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। हमारे पौधे पीले हो रहे हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। तो उसी तरह से मुझे कुछ आज थोड़ा सा कुछ ऐसा महसूस हुआ। दिसंबर हम लोग का समझ लीजिए धीमे धीमे खत्म ही हो रहा है, और हमारे पौधों को दिन प्रतिदिन ठंड लगती जा रही है। तो जिस हिसाब से हम लोग कुछ ना कुछ कवर पहनाते रहते हैं, ऊपर से चद्दर उड़ा दिया, ऊपर से टीन शेड में रख दिया, साइड में रख दिया, कुछ पौधों का इंतजाम कर दिया, चद्दर उड़ा दिए, तो इसी तरह से हम लोग कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपने पौधों को कपड़ा पहनाने के लिए सोचा, तो आप सोच सकते हैं आज मैंने सोचा, क्योंकि ये सिर्फ बॉबी ही सोच सकती है कि पौधों को इसके अलावा कोई नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं सोच सकते आप लोग। आज मैंने सोचा है कि आज मैं आपको अपने पौधों को कपड़े पहना के दिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं भाई। अब हमारे को जैसे हम लोग अपना देख रहे हैं, मैंने ऊनी टॉप पहना हुआ है, हम लोग ऊनी स्वेटर रोज पहनते हैं, तो क्या हमारे पौधों को ठंड नहीं लग रही है? तो हमारे पौधों को भी तो ठंड लग रही है। तो इससे मैं ट्यून विन काम करना चाहती हूँ, मतलब दो तरह के काम आपको दिखाऊंगी, तीन तरह के काम दिखाऊंगी। एक जो हमने अपने गमलों को पेंट करते हैं तो हमारे पेंट हमारे झड़ जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो इस समय तो हम लोग अपने पौधों को पेंट भी नहीं करते हैं, अपने प्लांटों को पेंट भी नहीं करते हैं। तो ये दो तीन चीजें मैं आज आपके पास लेके आई हूँ कि हम लोग को पेंट भी ना करना पड़े अपने गमलों में। हमारे कभी काफी गमले फट जाते हैं, जिनकी जड़ों का रूट बाउंड हो जाता है उनसे जड़ फट जाती है, गमले फट जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने कबाड़ से ही सारा जुगाड़ बनाते हैं। तो टूटे हों चाहे गमले हमारे, चाहे फट जाए, हम लोग कभी भी उनको फेंकते नहीं है। तो हमारे गमले टूट गए हैं, आप देखिए, ये देखिए, ये मेरा गमला पूरी तरह से टूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग का अब ये गमला क्या है, हम लोग छुपाना चाहते हैं कि कहीं कोई देखेगा, अरे हमारा गमला फटा हुआ है और हमने ऐसे रख दिया। तो हम लोग उसको ऐसे घुमा के रख देते हैं, लेकिन फिर भी तार तो बंधा हुआ है ना। और फिर वैसे भी अब मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे सपने में कुछ आया कि मेरे पौधे मुझसे बोल रहे हैं कि हमें ठंड लग रही है तो हमें कुछ कपड़े पहना दो। तो आज मैं यही आइडिया लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने मतलब कपड़े भी जानते हैं आप, हम लोग अपनी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि हम लोग की बहुत कीमती, करोड़ों से हम लोग ने बाजार के खर्चे वर्चे किए हों। तो ये देखिए कितने फटे फटे पुराने, पता नहीं कितने सालों के टुकड़े बचे हुए हैं, देख सकते हैं। अब आप इन टुकड़ों को देख सकते हैं, हम लोग किचन में पोछे वोछे लगाते हैं, कुछ गंदा हो जाता है उसको सफाई करते हैं। तो मैंने आज यही टुकड़े लिए, ये नहीं आप सोचे कि मैंने नया अपना चद्दर फाड़ दिया, मैंने नया कुछ कपड़ा ऐसा फाड़ दिया है। तो मेरे सारे टुकड़ों को आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे कलरफुल टुकड़े लिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये मेरी चद्दर फट गई थी तो ये चद्दर भी मेरा टुकड़ा फटा हुआ है चद्दर का, ये मेरी मैक्सी का फटा हुआ टुकड़ा है, ये मेरा स्कार्फ है, ये देखिए मेरा पजामा है। तो सब कुछ फटे फटे चीजों का ही मैं आज आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, और वो भी मैं अपने पुराने सड़े हुए गमलों को, देख सकते हैं यहाँ से मेरा इस वाले इसमें देखिए कितना पेंट मेरा, इसका सबका पेंट मेरा खराब हो गया है, ये देखिए पूरा पेंट इसका खराब हो गया है। तो अभी हम लोग को उसको नया पेंट करना पड़ेगा, तो हमें इसको नया पेंट नहीं करना है, हम इसके लिए स्पेशल टिप्स लेके आए हैं। ना हमारा कोई खर्चा हुआ, ना हमें बाजार जाना पड़ा, ना हमें पेंट करना पड़ा, हमने बढ़िया सा इसके लिए फर्स्ट क्लास टॉप बना दिया, मतलब कि सर्दियों में मैं इसको कपड़ों को स्वेटर पहना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी ये, मैं ही मैजिकल ही सोच सकती हूँ, मैजिकल टिप्स लेके आती हूँ और मैजिकल ही चीजें करती हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं भी ढूंढने से, सर्च करने से नहीं मिलेगी कि आपने कभी भी अपने गमलों को कपड़े पहनाए क्या, कभी नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि ये मैजिक सिर्फ बॉबी में ही चलता है। तो आज की मेरी वीडियो है अपने गमलों को कपड़े पहनाना, तो मैं आज आ गई हूँ शानदार टिप्स लेके। तो कपड़े पहनाने का मतलब कि ना तो मुझे सिलाई करनी है, कि हम लोग को झंझट लग रहा है कि हम अपने कपड़े सिलना है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग को ना सिलना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ मैंने टुकड़े लिए हैं कुछ टुकड़े, और मैंने क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेना है और मुझे अपने कपड़ों में
सेफ्टी पिन लगा देना है बस। आपके पास सिर्फ एक सेफ्टी पिन, वो भी हम लोग के घरों में ढेर सारी पड़ी रहती है सेफ्टी पिन, पुरानी पुरानी पड़ी रहती है, तो बस वही मुझे करना है। कुछ ऐसा मैंने खर्चा नहीं कर दिया है कि ना मैंने सिलाई करनी है कि मेरे सिलाई कर रही हूं तो भाई 10 घंटे लग रहे हैं हमें वीडियो बनाने में, तो ना ही मुझे सिलाई करनी है, ना ही मुझे कोई ऐसा इसमें टेप लगाना है, ना मुझे स्टेपलर करने हैं, खाली मुझे पिन लगाने हैं अपने खूबसूरत से गमलों को बनाने के लिए। बहुत प्यारे प्यारे, इतने ज्यादा ये खूबसूरत लगने वाले हैं ना कि आपके तो अब होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि बॉबी जो वीडियो लेके आती है ना, इतनी शानदार वीडियो लेके आती है। अब आप बता सकते हैं ये कहीं मेरा गमला कहीं पुराना था, पेंट कहीं इसमें फटा हुआ दिख रहा था, पुराना कबाड़ कहीं दिख रहा था, क्योंकि ये मैंने इतना प्रिंटेड इसमें कपड़ा खूबसूरत सा टुकड़ा पहनाया है, कहने को टुकड़ा हुआ, लेकिन खूबसूरती देखिए जरा आप, क्या खूबसूरती, चारों तरफ से मेरे गार्डन में तो चांद बिल्कुल लग गए हैं, बाहर आ गई है। और अब ये लिया है मैंने बिल्कुल टूटा हुआ गमला, टूटा हुआ गमला, तो अब इस टूटे हुए गमले को हमको कैसे कवर करना है ये मैंने आपको भी बताया है, कितना खूबसूरत सा ये देखिए मेरा चद्दर है, बिल्कुल फटा हुआ टुकड़ा है इसका, मुझे अब यहां से ये लेना है और बस ये ऐसे ऐसे लगाएंगे। आप गीठा चाहें तो, अगर आपके पास ज्यादा बड़े वाले टुकड़े हो तो आप इसमें गीठे भी लगा सकते हैं। मैंने इसके मतलब ज्यादा मैंने बड़े टुकड़े नहीं लिए हैं, जो मेरे पास टुकड़े थे तो मैंने तो उसी का उपयोग किया है। अगर आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हो तो आपको लगे अरे काटना पड़ेगा, तो काटने की भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग नॉट भी लगा सकते हैं। नॉट भी बहुत खूबसूरत से, जैसे हम लोग गो बनाते हैं तो उस तरह की भी नॉट बना के हम लोग बोर्ड बना सकते हैं, बहुत खूबसूरती बिखेरेगा वो भी आपके गमले की, चारों तरफ बिल्कुल अलग से नजारे दिखते हैं वो बनाने से भी। ये देखिए मैं इतना बढ़िया बढ़िया आपको इमेजिन करके आज दिखाऊंगी ना, ये आपके सच में आज बहुत तेज होश उड़ने वाले हैं कि भैया बॉबी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह की वीडियो लेके आती है जो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, तो बॉबी वो करके दिखाती है, क्योंकि बॉबी के पास सपने नहीं हकीकत है, बॉबी हर तरह की हकीकत आपको दिखाती है। और जो खुद ही मैं जो चीज इमेजिन करती हूँ, ये नहीं कि मैंने आपको बस जरा सी देर के लिए कोई चीज दिखा दी और बस मेरा काम खत्म हो गया, ये ऐसा नहीं है। मेरे पास सारे चीज बहुत A1 क्वालिटी के टिप्स होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले मैं टिप्स लेके आती हूँ कि जो आपके हमेशा काम आए, मतलब आपके इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, बहुत सारे फायदे होंगे इससे आपको, ये आपके गार्डन में खूबसूरती भी बढ़ेगी, पेंट भी नहीं करना पड़ेगा और सर्दियों में हमारे पौधों को ठंड भी नहीं लगेगी। तो मैंने आज T1, T3, T5 बहुत सारे काम कर दिए हैं जिससे मेरे पौधों को आज ठंड भी नहीं लगने वाली है और बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब ये देखिए ये मैंने इसमें नॉट भी बना दी है, तो मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कपड़े बड़े हो गए हैं तो हम लोग ये नहीं कि अरे भाई बड़ा हो गया तो हमें कैंची से कट लगाना पड़ रहा है, कैंची से कट नहीं लगाया आपने, इसमें नॉट टाइप की जैसे टाई की नॉट होती है खूब सुंदर सी, यहाँ वो बना लीजिए, इस तरह से भी आप इसमें बना सकते हैं। ये देखिए तो मैंने एक सबसे फुल गमला आपके सामने लिया है जो बिल्कुल मेरा कबाड़ हो चुका था, ये मेरे पेंट की बाल्टी थी जो बिल्कुल इसमें पेंट झड़ चुका है, अब आ गई है छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से गमलों की बारी। और ये देख सकते हैं मेरे कितने भयानक कतरन है और मैं इन कतरनों का ही बढ़िया सा यूज करके आपको दिखा रही हूँ, और ये कतरन का आप कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं कि बॉबी इतनी खूबसूरत सी इमेजिन, मतलब आप सच में नहीं सोच सकते हो कि मैंने इतने ऐसे ऐसे कतरनों का इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास यूज कर दिया है, मतलब बिल्कुल ये जैसे परफेक्ट गमले बन गए हैं, ऐसे कोई सोच नहीं सकता, जो चीज मैंने सोच ली है इस तरह से सोचिए हम लोग को पिन लगाने हैं। ये देखिए मतलब थोड़ा सा टाइट भी करना है जिससे हम लोग के गमले खूबसूरत दिखें, बस आपको थोड़ा सा एक पिन जरूर खर्चे लगेंगे, वो भी हम लोग के घर में ढेरों पिन पड़े रहते हैं, आप ऑल पिन भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सेफ्टी पिन बता दिया तो आप सेफ्टी पिन ही लगाओ, आप ऑल पिन भी लगा सकते हो। ये देखिए आप देखिए मेरे पास 3 क्वालिटी के हो गए हैं, कितने प्यारा ये हार्ट से बना हुआ है इस टुकड़े में, देखिए बिल्कुल इस तरह से फिटिंग वाले कपड़े हम पहना देंगे, और कपड़ों के टुकड़े आपने देखे थे क्या, मेरे कपड़े भयानक भयानक कपड़े लग रहे थे, बिल्कुल चिथड़े बिल्कुल फटे हुए कपड़े लग रहे थे, और मैंने इनको इतना खूबसूरत दिया है कि आप लोग बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर पाओगे कि मैंने इन कपड़ों का ऐसा यूज कर लिया है। तो आप ये देखिए मैंने छोटे प्यारे क्यूट से गमले, और अब ये देखिए मेरी बाल्टी कितनी बेकार हो गई है, मैंने ना ही इसमें पेंट किया था, क्योंकि जो हम लोग के कबाड़ की चीजें होती हैं हम लोग उसको उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये मेरी बिल्कुल बेकार हो गई है,
ये देखिए, ये मेरी बिल्कुल बेकार हो गई बाल्टी, और अब इसको देख सकते हैं आप मैं कितना खूबसूरत बनाने वाली हूँ। ये देखिए, बस हम लोग को थोड़ा सा इसमें नाप लेना है कि हमारी कितनी लंबाई पड़ रही है, बस उस हिसाब से हम लोग को कपड़े अपने करने हैं। अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं कपड़ों को, लेकिन मतलब क्या काटना पीटना क्या है भाई, ठंड भी तो बचानी है हमें अपने गमलों की, तो बस मैंने तो ठंड के उपाय ढूंढे हैं आज। ये देखिए, मैंने तो ठंड के उपाय ढूंढ रही हूं, मुझे तो ठंड के ही करने हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको वुलन स्कार्फ पहना दिया है, बढ़िया सा बरगद है ये मेरा, और प्यारी सी बाल्टी है। तो ये मैंने इसको बरगद को देख सकते हैं, ये मैंने कश्मीरी स्कार्फ पहनाया है, कश्मीर से मैं स्कार्फ लेके आई थी, पता नहीं कौन से जमाने में, मतलब हो गए होंगे 10 साल तो मेरे ख्याल से हमको हो गए होंगे कश्मीर गए हुए, तब ये हमें कश्मीर से स्कार्फ लेके आई थी। और देखिए आज ये मेरा स्कार्फ किस काम आ रहा है, मतलब सोच नहीं सकते हैं कि आज मैंने अपनी कबाड़ वाली बाल्टी को स्कार्फ पहना दिया है। ये देखिए, ये देखिए, तो मैं इस तरह के ही अपने, आप लोग मेरी वीडियो में कहीं मत भागिए, क्योंकि मैं आज बहुत खूबसूरत से आपको गार्डन दिखाने वाली हूँ और सबको कपड़े पहनाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा भाई सब्र तो करना ही पड़ेगा, जब खूबसूरत सी वीडियो देखनी है तो इंतजार तो करना ही पड़ता है भाई। तो आप लोग आप देख सकते हैं कि मतलब आज तो गजब का भाई मैंने कमाल कर दिया है, कि आज मैंने अपने पौधों को सेफ करने के लिए, इतनी सर्दी पड़ रही है तो भाई हमने तो देख सकते हैं आप, मैंने क्या अपने बच्चों को भी आदमी इस तरह से केयर करता है, तो ये हमारे एक तरह से समझ लीजिए प्यारे से क्यूट से बच्चे ही होते हैं। हम लोग अपने बच्चों को जैसे प्यार करते हैं, वैसे ही अपने इतने खूबसूरत से फ्लावर को भी अपने उतना ही प्यार देते हैं, क्योंकि 24 घंटों में हम लोग का समझ लीजिए कम से कम 12-14 घंटे हमारे पौधों के लिए ही निकलता है, बाकी जो टाइम बचता है वो हम लोग अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही हम लोग के खूबसूरत से प्लांट हैं। तो आज मैंने देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे मैंने कवर पहना दिए हैं इनको, कितने सुंदर से लग रहे हैं, मुझे तो सच में वाओ, मतलब सोच सकते हैं आप वाओ, कितने प्यारे प्यारे से देख सकते हैं, कितने क्यूट क्यूट से, कितने गंदे से ये थे अंदर से देख सकते हैं, कितने गंदे थे, तो इनको मैंने कवर पहना के देख सकते हैं कितना अच्छा काम कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि ये ठंड में भी थोड़ा हम लोग के सेफ रहेंगे, और नीचे से मैंने खुला छोड़ रखा है कि जैसे हम लोग जो पानी डालते हैं, वैसे भी इतनी ठंड है तो ठंड में तो हम लोग हफ्ते में एक ही बार पानी देते हैं मिट्टी चेक करने के बाद, तो जिस हिसाब से हम लोग को पानी देना है तो बस नीचे से पानी अपने आप ड्रेन हो जाएगा, तो ये कपड़े हम लोग के वैसे ही खूबसूरत लगने वाले हैं, वैसे ही सुंदर लगेंगे। फिर जैसे हम लोग का पेंट का झंझट होता है कि हम लोग महीने में, 2 महीने में 6 महीने में 7-8 महीने में एक बार हम लोग पेंट करते हैं, तो कपड़ों का बस हम लोग का ये रहेगा कि जैसे अगर हम लोग के कपड़े गंदे हो जाएंगे तो हम लोग को कपड़े, जैसे हम लोग अपने कपड़े धोते हैं वैसे ये कपड़ों को हम लोग को निकालना है। सेफ्टी पिन ही तो लगाया है, इसीलिए मैंने इनको सिला नहीं है, सेफ्टी पिन लगा रखा है, फट से सेफ्टी पिन खोलेंगे और वॉश करेंगे और फिर से हम लोग इनको कपड़े पहना देंगे। तो भाई दिसंबर जनवरी में तो हम लोग को इतने दिन तो सेफ करने ही है अपने गमले। तो फ्रेंड आज की मेरी खूबसूरत सी वंडरफुल वीडियो आपको कैसी लगी कपड़े पहनाने की, तो मेरी दीवानगी को आप देख के हैरान हो गए ना। तो भाई मेरी दीवानगी तो मेरे पौधों के लिए है, मैं अपने पौधों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपने पौधों के लिए कुछ भी करना पड़ा मैं सब कुछ करूंगी। तो फ्रेंड आज आपको मेरी खूबसूरत सी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है, अपनी कल्पना करी है, अपने आप इमेजिन किया है कि मुझे अपने पौधों को सेफ कैसे करना है। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मजेदार वीडियो बनाने के लिए, फिर से आऊंगी बढ़िया सी टिप्स लेके आपको। तो आज की मेरी टिप्स फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, इतने क्यूट से फ्लावर पॉट को मैंने कपड़े पहनाए। ओके फ्रेंड चलती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, बाय बाय।